नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 3 के विद्यार्थियों के साथ हिंदी पाठ्यपुस्तक रोली का द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानेंगे। सच्चा बालक उसका अध्याय का नाम है, पाठ का शीर्षक है सच्चा बालक। सच्चा बालक कौन था, ये आगे चलकर क्या बना, इसके बारे में हम जानेंगे। एक बार अध्यापक जी ने कक्षा के बालकों से गणित के प्रश्न हल करने के लिए कहा। प्रश्न बहुत कठिन थे। अगले दिन अध्यापक जी ने कहा, जो बालक सभी प्रश्न हल करके लाए हैं वे हाथ ऊपर उठाएं। प्रश्न काफी कठिन थे, कोई भी बालक सभी प्रश्न हल कर नहीं सका। अधिकतर बालक एक या दो प्रश्न हल कर सके। केवल एक बालक ने ही हाथ खड़ा किया, किसी बालक ने हाथ खड़ा नहीं किया। अध्यापक जी को बालकों से बहुत निराशा हुई और उन्हें उस बालक पर बहुत गर्व हुआ जिसने सभी प्रश्न हल किए। अध्यापक जी ने उसकी बड़ाई करते हुए कहा, देखो कितना अच्छा बालक है, इसने सभी प्रश्न हल कर लिए, यह परिश्रमी है, तुमने इसे सीख लेनी चाहिए। अध्यापक जी की बातें सुनकर वह बालक फूट फूट कर रोने लगा। अध्यापक जी समझ नहीं सके कि वह क्यों रो रहा है। सभी बालकों को बहुत आश्चर्य हुआ। अध्यापक जी ने बालकों को अपने पास बुलाया और उन्होंने प्यार से पूछा, तुम तो सभी प्रश्न हल करके लेके आए हो, फिर तुम क्यों रो रहे हो। यह सुनकर बालक और भी जोर जोर से रोने लगा। अध्यापक जी उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बालक से पूछा, तुम बताते क्यों नहीं कि क्यों रो रहे, तुम्हारा तो सब बालकों में पहला स्थान है। बालक ने अध्यापक जी के चरण पकड़ लिए और कहा, अध्यापक जी यह ठीक है कि मैं सब प्रश्न हल करके लाया हूँ, परंतु उन सबके उत्तर भी ठीक है, ये सब हल मैंने स्वयं नहीं किए हैं, ये सब मैंने किसी से पूछ कर किए। मैं गणित के इन प्रश्नों का हल नहीं कर सकता, इनके उत्तर ठीक से मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं तारीफ के लायक भी नहीं हूँ। बालक की इन बातों को सुनकर अध्यापक जी ने उसे गले लगाया। फिर उन्होंने बालकों से कहा, बच्चों देखो तुमने यह बालक कितना सच्चा है, इसने सच्चाई से इसे कितना प्यार है, बड़ा होकर यह बहुत सम्मान पाएगा। जो बालक सत्य बोलता है वह सबको प्रिय होता है, झूठ बोलने वाले को सम्मान नहीं मिलता है, वह सदैव दुखी रहता है, सच्चे मनुष्य पर सभी विश्वास करते हैं। बच्चों जानते हो वह बालक कौन था, ये बालक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये बड़े होकर देश के महान नेता बने। महात्मा गांधी जी गोपाल को अपना गुरु मानते थे। गोपाल और गांधी जी के सत्य के कारण ही महान कहलाए। तो हमें इस कहानी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले ने बचपन से ही सत्य बोलने का पालन किया और सत्य का को अपनाया, उसी प्रकार हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य के पालन से ही हम आगे के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं और सदैव सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ तक का अध्याय था। आगे इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक में करने हैं, भाषा की बात को पेज नंबर 22 और 23 के प्रश्नों को जिस प्रकार मैंने पुस्तक के में किया है, उसी प्रकार आप भी इन प्रश्नों को पुस्तक में करेंगे, अपनी पुस्तक पाठ्य पुस्तक में ही इन प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।